विनम्र निवेदन करूंगा, जमशेदपुर फुटबॉल एकेडमी के सीईओ मुकुल विनायक चौधरी जी से, सर आप आए, आपका मार्गदर्शन करेंगे सीईओ नवल टाटा हॉकी एकेडमी के श्री आशीष कुमार जी खिलाड़ियों से मुखातिब होने के लिए पहुंच चुके हैं, जिनका मार्गदर्शन कर रहे हैं नवल टाटा हॉकी एकेडमी के सीईओ श्री आशीष कुमार जी। खिलाड़ियों से परिचय का दौर प्रारंभ हुआ। ऑरेंज कलर की जर्सी में जो टीम दिख रही है वो दिल्ली से आई हुई टीम है, गुमन हेरा राइजर्स की टीम। वहीं उसके दूसरी तरफ हरे और उजले रंग की जर्सी में जो टीम दिख रही है वो उड़ीसा से चंद्रलाई टीम से हॉकी अकादमी की है। दोनों ही दमदार टीमें हैं और इस दूसरे मुकाबले दमदार खेल देखने को मौका मिलेगा। राइजर्स दिल्ली की टीम के कप्तान को वो सम्मान दिया गया मुख्य अतिथि के हाथों। और अब बहुत ही महत्वपूर्ण मौका, जब दोनों ही टीमें अपने प्रतीक चिन्ह एक दूसरे को सौंपेंगी। मुख्य अतिथि की मौजूदगी में टीम के कप्तान को उनका प्रतीक ध्वज दिया गया और इसके बाद टॉस, और ये टॉस उछाला गया मुख्य अतिथि के द्वारा। और एक यादगार फोटो सेशन दोनों ही टीमों के टीम कप्तान। और दर्शकों धन्यवाद। हम सबों के लिए एक यादगार पल, और इसके लिए मैं इस मैच के चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि सर आप मंच के समीप आएं, और मैं विनम्र निवेदन करूंगा सीईओ नवल टाटा हॉकी एकेडमी श्री आशीष कुमार जी से इस टूर्नामेंट के स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें। ये हम सब देखरेख में जमशेदपुर ने फुटबॉल की उन ऊंचाइयों को छुआ है जिनकी हमें बहुत लंबे समय से इंतजार थी, जिन्होंने अपनी बेहद कड़ी मेहनत, इसके साथ ही मैं What?
क्वार्टर। सेकेंड हाफ के पहले क्वार्टर का मैच यानी कि तीसरे क्वार्टर का मैच शुरू हुआ। थर्ड क्वार्टर एक एक गोल की बराबरी पर। क्वार्टर के लिए फिलहाल स्कोर जो है बताना चाहेंगे। साई सेल उड़ीसा की टीम ने अब तक के मैच में 2 गोल करके बढ़त लिए हुए हैं, जबकि प्रतिद्वंदी टीम अब तक 1 गोल करने में सफल रही है। बेहतरीन खिलाड़ी को पुरस्कृत करके सम्मानित करें प्लेयर ऑफ द मैच जर्सी नंबर 13 केरोबिन लकड़ा। केरोबिन लकड़ा को बहुत बहुत बधाई।